हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीता। स्वागत है आपके मेरे चैनल स्वीट होम पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूं ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी और साथ ही साथ हेल्दी, जी हां आपने बिल्कुल सही सुना, बहुत ही ज्यादा हेल्दी ये मैं पिज्जा रेसिपी लेकर आई हूं। तो आप मेरे इस वीडियो को एंड तक देखिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून ये मूंग दाल ली है, धुली हुई मूंग दाल है। इसे मैंने 2 से 3 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। इसी तरीके से मैंने 2 टेबल स्पून लिए हैं चावल, चावल आप कोई भी ले सकते हैं जो आप खाते हैं। और 2 टेबल स्पून लिया है मैंने ओट्स का ये आटा, जिसे मैंने घर पे सिर्फ रोस्ट करके और मिक्सी में ऐसे ही पीस लिया है। अब सबसे पहले हम इन तीनों को एक जार में डाल के पीस लेंगे। चावल आप चाहे तो इन्हें साथ में भी भिगो सकते हैं। और साथ ही मैंने ये डाल दिया है ओट्स का आटा, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसकी जगह मल्टीग्रेन आटा या व्हीट फ्लोर भी ले सकते हैं, सादा गेहूं का आटा। और इसमें मैंने एक छोटी हरी मिर्च डाल दी है, ये ऑप्शनल है, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और मैंने 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था, जिसे मैंने धो के रफली चॉप कर लिया है। और यहाँ मैंने 1/4 चम्मच से थोड़ा ज्यादा नमक लिया है, या नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने इसमें 2 टेबल स्पून पानी डाल लिया है और बस अब हम इन सबको पीस लेंगे। देखिए मैंने इसे पीस लिया है, एकदम फाइन मैंने पेस्ट बनाया हुआ है। और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, इसकी बस बिल्कुल इस तरीके की आपको रखना है। मैं इसको एक बोल में ट्रांसफर कर दूंगी। अब मैंने अपना पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है, इसमें मैं 1 चम्मच ऑयल डाल दूंगी और इसको अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी। अब जब तक हमारा पैन गर्म हो रहा है, मैंने यहाँ 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा लिया है और 1 छोटा चम्मच लिया है मैंने यहाँ नींबू, क्योंकि उसके ऊपर इस तरीके से डाल के देखिए कितनी जल्दी एक्टिव होता है। बस इसको एक ही डायरेक्शन में अच्छे से मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं। ऑयल गर्म हो चुका है, मैं इसको इसमें बटर को डाल देती हूँ। अब हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर इस तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे, जिससे इसका जो क्रस्ट है वो एकदम क्रिस्पी हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इसके साइड में पानी भी डाल दूंगी ताकि और ज्यादा क्रिस्पी हो जाएगा। देखिए अब हम इसको पलट देते हैं और केयरफुली, कितने अच्छे से सिका हुआ है देखिए इसकी लेयर। अब मैं इसी टाइम पर इसमें यहाँ पिज्जा सॉस स्प्रेड कर दूंगी अच्छे से। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो करके रखा हुआ है। इसके ऊपर मैं डाल दूंगी मोज़रेला चीज, इसकी भी अच्छे से लेयर बना देंगे। अब मैंने यहाँ लिए कुछ टमाटर के स्लाइस, इसको इस तरीके से सजा देती हूँ। थोड़ा सा मैंने कैप्सिकम ले लिया है, इसे भी इस तरीके से रखेंगे। प्याज, थोड़े से ले लिया मैंने पनीर के भी टुकड़े, उसे भी इस तरीके से रख देंगे। और ऊपर से मैं एक और लेयर चीज की डाल दूंगी इसके ऊपर, इसके साइड में डाल दिया मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा सा ऑयल। और अब मैं इसको ढक के जब तक पकाऊंगी, जब तक ये चीज है वो मेल्ट ना हो जाए,
फ्लेम हमें लो टू मीडियम ही रखना है, हाई बिल्कुल नहीं करना है, अदरवाइज ये जल जाएगा। देखिए हमारा जो चीज है वो मेल्ट हो चुका है, तो बस हमारा जो पिज्जा है वो बनकर तैयार है एकदम। फ्लेम को ऑफ कर दिया है, अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। अब हम इसके ऊपर डाल देते हैं थोड़ा सा सीजनिंग। इसके लिए मैंने लिया है रेड चिली फ्लेक्स, और थोड़े से मैंने ले लिए हैं मिक्स्ड हर्ब्स, आप चाहें तो ओरिगैनो भी डाल सकते हैं। अब हम इसको करेंगे कट। देखिए इसको कट कर लिया है, मैं आपको इसको उठा के दिखाती हूँ कितना चीज़ी है। देखिए है ना एकदम मार्केट के जैसा। देखिए हमारा हेल्दी और टेस्टी पिज्जा बनकर तैयार है, और वो भी फटाफट। इसे बनने में बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, आप खुद भी देख चुके हैं। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर बनाएं, और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंचे। थैंक यू।